ओम साई राम, बाबा को शत शत प्रणाम। आज मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ कि भगवान जी ने यमराज को कहा कि ये 9 व्यक्तियों की लिस्ट है, तुम जाके पृथ्वी पर इन 9 व्यक्तियों को लेकर आओ, उनका टाइम भी लिखा है। तो वो व्यक्ति जिसका पहला नंबर था उस व्यक्ति के पास आया पृथ्वी पर यमराज जी। तो आके कहा कि मैं तुमको लेने आया हूँ, तुम्हारा टाइम पूरा हो गया है। तो वो कहने लगा कि इतनी जल्दी, आप तो बहुत जल्दी लेने आ गए, मेरे तो बहुत काम पड़े हैं, आप मुझे थोड़ा टाइम दो। थोड़ा टाइम नहीं देते तो 1 दिन का टाइम दो मुझे कि मैं जिनसे भी मतलब मैं जो जो थोड़े बहुत काम है वो कर लूँ, निपटा लूँ। यमराज जी ने कहा नहीं, जो टाइम लिखा जाता है उसके अकॉर्डिंग मैं तुम्हें ले जाऊँगा। उसने बहुत मिन्नती की, यमराज जी नहीं माने। तो वो कहने लगा चलो आप एक प्याली चाय तो पी लो। तो यमराज जी ने कहा ठीक है चलो एक प्याली चाय पिला दो। वो यमराज जी को अंदर ले आया और उनके लिए चाय बनाने गया। जब वो चाय बनाने लगा तो उसने यमराज जी की चाय में नींद की गोलियां डाल दी। तो उनको चाय दी, चाय को पीते ही यमराज जी थोड़े से बेसुध हो गए, उनके थोड़े से उनको नींद आने लगी। जैसे ही उनको नींद आने लगी तो उस व्यक्ति ने फटाफट रबड़ उठाई, जो अपना पहला नाम था उसको मिटो दिया और सबसे लास्ट में अपना नाम लिख दिया। क्योंकि वो अपना नाम पूरी तरह तो मिटा नहीं सकता था, क्योंकि यमराज जी को पता था कि 9 व्यक्ति अगर वो अपना नाम पूरी तरह मिटा देते तो 8 हो जाते। तो उसने कहा कि जब तक लास्ट नंबर आएगा मेरा तो मेरे को पूरा 1 दिन मिल जाएगा, तो मैं अपने जो भी काम है मैं वो पूरे कर लूँगा। तो यमराज जी को बहुत जल्दी होश आ गया, तो उनकी नींद खुल गई। तो वो कहने लगे कि मैं तुमसे तो बहुत खुश हुआ, तो लोगों के पास जाता हूँ तो वो डरते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, और वो तुमने तो मुझे चाय भी पिलाई, मतलब विश्राम के लिए थोड़ी सी मुझे नींद भी आएगी, जगह भी दी, मैं तुमसे खुश हुआ हूँ। जो मेरे पास थोड़ी बहुत पावर है ना मैं उसका यूज़ करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ कि मैं जो नीचे से 9वां नंबर है ना लास्ट में वहाँ से शुरू करता हूँ, तुम्हारे मतलब तुम्हारा टाइम आते आते तुम्हें तो पूरा 1 दिन मिल जाएगा। अब देखो ये क्या हो, उस व्यक्ति तो लास्ट में अपना नाम लिख दिया था। अब कहते हैं ना कि जब जो टाइम लिखा हुआ होता है तो वो तो होता ही है। तो उस व्यक्ति का टाइम उस टाइम लिखा था, पर उसने चला के कोशिश की, फिर भी उसका जो टाइम जो वक्त लिखा था वो आया। तो हम ये भी हमारी ज़िंदगी में भी यही होता है कि जो होना है वो होकर ही रहता है। तो हमें हमारे ऊपर अगर कोई कष्ट भी जब आते हैं तो हम भगवान से नाराज़ होने लग जाते हैं। तो कहते हैं कि भगवान जी हमने आपकी बहुत पूजा की, आप मेरे साथ नहीं हो, मेरे ऊपर ये कष्ट क्यों हुआ। हम भगवान से लड़ने लग जाते हैं। तो हम भगवान जी को कहते हैं कि मतलब आपने ये कष्ट दिया, आप मेरे से प्यार नहीं करते। हम जब भगवान जी कहते हैं ना कि ईश्वर की मर्जी के बिना कोई भी पत्ता नहीं हिलता, अगर कष्ट हमारी ज़िंदगी में आया है तो वो ईश्वर की मर्जी से आया है। ये हमारे कोई पिछले कर्मों का लेखा जोखा है, जो हमें कर्म काटने हैं वो इस कष्ट के रूप में काटने हैं। शायद इस कष्ट को काटने से जो हमारे जो कर्म हैं वो कट जाए और जो हमारा जीवन है वो अच्छा हो जाए। तो इसलिए हमारी ज़िंदगी में अगर कष्ट भी आते हैं तो हमें भगवान से नाराज़ नहीं होना चाहिए। अगर हम भगवान से नाराज़ होंगे, उन कष्टों को सोचते रहेंगे, उन कष्टों से लड़ते रहेंगे, तो जो कष्ट है वो बढ़ जाएंगे और हमारे मन में ना सारा दिन उसी कष्ट ही घूमते रहेंगे। कहते हैं ना कि आप जिस चीज़ को जितनी एनर्जी देते हो वो उतनी ही बढ़ती है। अगर हम कष्ट के बारे में सोचते रहेंगे तो वो कष्ट हमें बहुत ही मतलब दुख देगा। अगर हम उस कष्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे, हम ये कहेंगे कि ईश्वर की रजा है, मुझे इसमें राजी रहना है, अगर ये कष्ट दिया है तो ये शायद मेरे लिए अच्छा होगा, ये भगवान ने मुझे दिया है, भगवान मेरे साथ है, तो ये शायद मुझे भोगना है, तो भगवान ने दिया है तो उसे खुशी खुशी थोड़ा सा भोगना चाहिए। हम अपने कष्टों से भी बहुत कुछ सीखते हैं, कष्ट हमें सिखा के जाते हैं, एक बहुत अच्छा इंसान बना के जाते हैं। तो इसलिए कष्ट आता है तो हमें मतलब उस कष्ट को सहने की हिम्मत रखनी चाहिए, भगवान को दोष नहीं देना चाहिए, कहना चाहिए कि भगवान मैंने कुछ गुनाह किए होंगे जो मुझे ये भोगने हैं। अगर आप उसको उन कष्टों को एक्सेप्ट कर लोगे तो आपका दिमाग ठंडा हो जाएगा, आपका मन ठंडा, आपको शांति मिलेगी, आपको सुकून मिलेगा और उन कष्ट को मतलब सहने की आप में जो है हिम्मत आ जाएगी। अगर आप में हिम्मत आ जाएगी तो उस जो कष्ट आया है उसको सॉल्व भी कर लोगे, कोई ना कोई उस कष्ट को प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे। तो हमें अपने भगवान से कभी भी नाराज नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि आप ईश्वर से कभी मांगो भी मत, मानो
मानो, भगवान को मानो, क्योंकि ईश्वर तो सब देख रहे हैं। अगर आपने ईश्वर को अपनाया, ईश्वर ने आपको आपका बच्चा बनाया है, तो वो ईश्वर, हमारी जो निगाहें हैं, हमारी सोच है, जो निगाहें हैं वो लिमिट हैं, पर जो भगवान की निगाहें हैं वो तो अनलिमिटेड है, वो तो सब कुछ देख रहे हैं, क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए बुरा है, हमें नहीं पता चलता। जैसे एक बच्चा माँ से चॉकलेट के लिए बार बार जिद करते हैं, माँ एक बार तो दे देती पर उसे बार बार नहीं देती, क्योंकि उससे दांत खराब हो जाते। माँ जानती है क्या बच्चे के लिए अच्छा है, क्या बुरा है। इसलिए हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान को सब पता है हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। अगर कष्ट आया है तो ये भगवान की मर्जी है, अगर भगवान की मर्जी है तो हमारे लिए कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। इसलिए तो ये जिंदगी है, तो इसमें तो सुख दुख सब कुछ आते जाते रहेंगे। अगर सुख आया है तो दुख भी आया है, दुख आया है तो सुख भी आया है, तो हमें घबराना नहीं चाहिए। आज हमारे चारों तरफ भी बहुत नेगेटिविटी है, बहुत नेगेटिविटी, लोगों में बहुत दुख आए हैं, एक ही घर में बहुत ही परिवार में मौतें आई हैं, कहने को तो जिनके ऊपर बीतती है उनके लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। पर जिन लोगों को कोरोना नहीं हुआ वो भी बहुत मतलब टेंशन में है कि मुझे ना हो जाए, मुझे ना हो जाए। कहते हैं कि जो नहीं हुआ उसके लिए ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, जो आप हम भविष्य के लिए अपना पास्ट क्यों खराब कर रहे हैं, मतलब अपना जो है उसको भविष्य के लिए, जो आपका जो वर्तमान टाइम है उसको खराब मत करें, ज़्यादा मत सोचें। इसलिए जितना हो सके पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव रहने से जो है आपका माइंड भी खुश रहेगा, आपका अगर आप अच्छे रहोगे तो आपका परिवार भी अच्छा रहेगा, सब लोग अच्छे रहेंगे। इसलिए सब लोग जितना हो सके उतना पॉजिटिव सोचें, नेगेटिविटी को दूर भगाएं। बस आज इतना ही। ओम साई राम।